हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7th ऑफ एक्सरसाइज 12.4। देखो इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी आर 51 सेंटीमीटर इनटू 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये 51 सेंटीमीटर गिवन है और ये 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ठीक है। नाउ अ ट्रेपीजियम पी क्यू सी डी एक ट्रेपीजियम है विद इट्स पैरेलल साइड्स क्यू सी एक पैरेलल साइड है एंड पी डी, ये क्यू सी और ये पी डी ये पैरेलल साइड्स हैं इन द रेशो ऑफ 9:8 में है। तो यानी कि जब भी रेशो में होती है तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ, ये 9x, ठीक, और ये कितनी मान लूँ मैं इसको 8x, है ना, x की फॉर्म में मान लेते हैं हम रेशो उसको, ठीक है। इज कट ऑफ फ्रॉम द रेक्टेंगल एज शोन इन द फिगर दिस, इफ़ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी क्यू सी डी इज 5/6 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यू सी पी डी। क्यू सी और पी डी निकालना है हमें, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। उसने ये चीज़ देखो ना, यहाँ से क्ल्यू दिया कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल है, 5/6 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो जरा, देखो इसमें सॉल्यूशन में चलते हैं हम, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी क्यू सी डी, ठीक है, पी क्यू सी डी ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 5/6 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल कौन सा था हमारे पास, ये ए बी सी डी, क्लियर। तो देखो जरा, 5/6 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इसमें रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है 51 है और ब्रेथ कितनी मान लो ये 25 है, क्लियर, ठीक है। ऐसे ही रहने दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, काटने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जैसे 3 पे कट सकता था, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो जरा अभी, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है होता है आपके पास, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी हो जाएंगी, देखो 9x + 8x, है ना, इनटू में क्या होता है हमारे पास, हाइट होती है, क्लियर। और इसमें हाइट कितनी होगी, ये सी डी होगी, क्योंकि एक रेक्टेंगल है ये 90 डिग्री में ही होते हैं, ठीक है, तो ये सी डी क्या होगी, हाइट होगी, समझ रहे हो ना ये बात, सी डी क्यों हाइट हो गई, क्योंकि रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में ये चीज़ें क्या होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं ये, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये हाइट ही होगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये कितना है, 25 है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो पता है ना आपको क्या होता है, 1/2 इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ये होता है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। अब देखो जरा, 1/2 इनटू में 9 और 8 कितने हुए, 9 और 8 17x इनटू में 25, और इधर यही है 5/6 इनटू में 51 इनटू में 25। अब समझ रहे होंगे आप मैंने क्यों नहीं कट किया, ये ऑब्वियसली बात है, यहीं से ही कट हो जाएंगे, देखना जरा। देखो ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 5/6 इनटू में 51 इनटू में 25, देखो ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 25 इधर मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, नीचे जाएगा, और ये 17 भी क्या होगा, नीचे जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या बचा सिर्फ एक्स। अब देखो जरा, बड़ा सिंपल हो गया, 25 से 25, और 17 3 51 होता है, ठीक है, और 3 2 6 होता है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, देखो क्या बचा सिर्फ हमारे पास, यहाँ पर ओनली 5 बचा है, बात समझ रहे हो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो देखो यहाँ पर आपने PD को 8x मानना था और QC को कितना मानना था आपने, 9x, तो ये देखो PD जो पैरेलल साइड्स थी, PD कितनी आ जाएगी, 8 इंटू में 5 कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर, और QC ये कितनी आ जाएगी, QC की वैल्यू कितनी थी, 9x, 9 × 5 45 सेंटीमीटर, ये इनके आंसर आ गए। यही हमें फाइंड आउट करनी थी, लेंथ ऑफ द क्यू सी और पी डी निकालनी थी, ये हमने निकाल दी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, तो एक बार कर लेना इसको, ओके, थैंक यू।